बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी चर्चा में है, तो वहीं अब नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने भी अपनी नई पार्टी आप सबकी आवाज का ऐलान कर दिया। इस नई पार्टी का सीधा असर नीतीश कुमार और बीजेपी पर पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि ये राजनीतिक कदम किसके लिए सिरदर्द बन सकता है। आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अब अपने राजनीतिक सफर को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार से मतभेदों के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन पार्टी में उनकी जगह उतनी मजबूत नहीं बन सकी। नतीजतन अब उन्होंने खुद की एक नई पार्टी बना ली है। आरसीपी सिंह ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 140 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, लेकिन सवाल ये है कि उनके इस कदम से आखिर किससे नुकसान होगा और कौन उनकी पार्टी के आने से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। आरसीपी ने सरदार पटेल की जयंती पर अपनी पार्टी का ऐलान कर ये संकेत दिया था कि उनकी नजर कुर्मी समुदाय के वोटों पर है। इसी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कुर्मी वोट बैंक में से उन्हें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में कुर्मी समुदाय नीतीश कुमार का एक महत्वपूर्ण समर्थक समूह है, जिनके वोटों के सहारे वे पिछले दो दशकों से सत्ता में बने हुए हैं। ऐसे में आरसीपी सिंह का यह कदम नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। पटना में आरसीपी सिंह के समर्थकों ने टाइगर अभी जिंदा है जैसे स्लोगन वाले होर्डिंग्स लगाए हैं। इससे साफ है कि आरसीपी सिंह अब खुद को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में उन्हें वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरसीपी सिंह की पार्टी से ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को होगा। जेडीयू के लिए कुर्मी वोट बैंक में दरार पड़ने का खतरा है, जबकि बीजेपी के लिए एनडीए समर्थकों में बिखराव की संभावना बढ़ गई है। अगर आरसीपी सिंह कुर्मी समुदाय का समर्थन प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस वोट बैंक में बंटवारा नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह की नई पार्टी अब सबकी आवाज की हद तक बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है। क्या वे कुर्मी समुदाय को अपना साथ जोड़ पाएंगे और क्या नीतीश कुमार और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा।